राधे राधे दोस्तों, आज रसोई मेल से आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी तो सबको ही बहुत पसंद होती है, और ये आलू गोभी मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाई है। जिसके लिए लिया है सरसों का तेल, हींग डाला, जीरा डाला, अदरक डाला, फिर इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, फिर डाल देंगे आलू गोभी। यहाँ पर गोभी को आप लोग भी गर्म पानी से ज़रूर धोएं, जिससे इसके अंदर के जो कीड़े होते हैं वो निकल जाएंगे। और इसके बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सब्जी को भून लेंगे, और फिर इसमें मिला देंगे नमक। नमक डालने के बाद में और इसको अच्छे से मिलाने के बाद में इसमें ढक देंगे प्लेट 4 से 5 मिनट के लिए। अब हटा के एक बार देख लेंगे सब्जी अभी कितनी हुई है। अभी इसमें सब्जी के आलू थोड़े से कच्चे लग रहे थे, तो फिर से मैंने इसको प्लेट से ढक दिया है। अब 2 से 3 मिनट बाद फिर से देखेंगे सब्जी लग रही है, देखने में पक गई है। तो अब इसमें हम डाल लेंगे टमाटर, और इसके साथ में ही डाल देंगे हरी धनिया, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसको फिर से थोड़ी देर ढक देंगे, जिससे टमाटर भी थोड़े से गल जाएंगे। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे सारे मसाले। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ी सी आधी चम्मच देगी लाल मिर्च, और आधा चम्मच सब्जी मसाला। इन सबको डाल कर अच्छे से मिला लेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको फिर ऐसे ही भून लेना है। ये हमारी सिंपल सी आलू गोभी बन के तैयार है। कभी कभी सिंपल सी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बिना मसाले के कम अगर आप बना कर खाएँ तो वो भी कभी कभी टेस्टी बहुत हो जाती है। और ये सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के है तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। आलू गोभी की सब्जी तैयार हो गई है, अब इसको जल्दी से टिफ़िन में रख देते हैं। अगर आपको आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग भी आलू गोभी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।